एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं शाइनी। मैंने पर्पल वेबसाइट से 5000 से भी ज्यादा शॉपिंग की है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे प्रोडक्ट्स को मैंने इस्तेमाल किया है, सो जो मेरा रिव्यू है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितने भी प्राइसेस है वो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, और प्राइसेस देखने के बाद और मेरा रिव्यू सुनने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे हैं वो वर्थ बाय है या वो सब वेस्ट है। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रोडक्ट मैं गुड वाइब्स का शेयर कर रही हूँ। ये गुड वाइब्स पपाया जेल है। ये पपाया जेल मैंने खरीदा है टैन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पपाया एक एंटी टैनिंग एजेंट है, तो इसीलिए ये पपाया जेल मुझे अच्छा लगता है, टैनिंग को रिमूव जरूर करता है, लेकिन मुझे ये उतना ज्यादा सूट नहीं किया। जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद मुझे पिंपल या रैश की प्रॉब्लम हो जाती है, सो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट जेल। ये पोमेग्रेनेट जेल मुझे अच्छी तरीके से सूट किया है, और ये आपके अगर बहुत ही ज्यादा ओपन पोर की प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्किन को स्मूदन आउट करता है, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर प्रोवाइड करता है रेगुलर इस्तेमाल से। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी गुड वाइब्स का है, और ये मैंने रिसेंट में परचेज किया है, एंड दिस इज गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर। और ये टोनर मुझे बहुत ही पसंद है। इस रोज टोनर में नीम का भी एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से स्किन में रैशेस और पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होने देता। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है, और ये एक फेमस गुड वाइब्स प्रोडक्ट है, दैट इज गुड वाइब्स रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। मेकअप करने से पहले अगर आप इस सीरम को अप्लाई करें तो मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और ड्यूवी सा लगता है। रात को सोने से पहले अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो स्किन फ्लॉलेस और ग्लोइंग बन जाता है। अगर आपकी बहुत ही ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए ये एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन मेरी स्किन जैसे कि कॉम्बिनेशन है, मुझे पपाया सूट नहीं किया मैंने कहा था, तो ये वाला मैं उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मतलब मैंने स्टॉप ही कर दिया है। पहले बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये जो ग्लो प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मेरे स्किन में ब्रेकआउट की प्रॉब्लम, मतलब रैशेस और पिंपल की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई आई स्टॉप यूजिंग दिस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए एकदम फेल है, मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और ये प्रोडक्ट है गुड वाइब्स एलोवेरा इंटीमेट हाइजीन वॉश। ये एकदम बिग फेल है मेरे लिए। मैंने इसे परचेज किया है क्योंकि मुझे रिव्यू करना था आप लोगों के लिए, सो डेफिनेटली मेरे पैसे तो वेस्ट हो ही गए। ये कोई काम की चीज नहीं है, ऊपर से इसका एक घटिया सा स्मेल जो मुझे इरिटेटिंग लगता है। एनवाइबे स्किन फिडेंट एजलेस सीरम, मेरे पास है हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी वाला सीरम, और ये सीरम मेरे स्किन पर कोई भी रैश या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं कॉज करता। ये डेफिनेटली एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करता है, जो इसमें एक बुरा सा स्मेल आता है क्योंकि विटामिन सी है। ये मेरे लिए अच्छा वर्क करता है, अच्छा है, स्किन को स्मूथन आउट करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, और रैशेस और पिंपल की प्रॉब्लम भी नहीं करता। नेक्स्ट है एनवाइबे बीबी क्रीम विद एसपीएफ 20। ये बीबी क्रीम मुझे पर्पल ने सेंड किया था और मैंने इसे इस्तेमाल किया, मेरे लिए ये परफेक्टली वर्क किया। ये मीडियम शियर टू मीडियम कवरेज देता है, बहुत ही लो कवरेज देता है, लेकिन स्किन को एक फेयरर लुक प्रोवाइड करता है, एक फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है, डेली बेसिस पर ये परफेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एनवाइबे का ये लिक्विड कंसीलर, और ये लिक्विड कंसीलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी बड़े बड़े ब्रांड्स को ये टक्कर दे सकता है, आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। जब ये बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में हो तब इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट भी एक एनवाइबे का प्रोडक्ट है, और ये एनवाइबे का जो स्टिक कंसीलर है वो है बहुत ही स्मूथ है, क्रीमी इसका टेक्सचर है, तो इजिली आप फिंगर की मदद से डेली बेसिस पर अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो इजिली आप इसे फिंगर की मदद से ब्लेंड आउट करके निकल सकते हैं। हैसल फ्री है, और उसके साथ कवरेज भी इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें एनवाइबे से कुछ लिपस्टिक्स खरीदे हैं, बस एक ब्राइट प्रिटी रेड कलर है, और दूसरा जो शेड है वो डेली बेसिस के लिए परफेक्ट है, एकदम बेबी पिंक सॉफ्ट कलर है जो हर स्किन टोन के लिए परफेक्टली मैच करेगा। इस जो पर्पल ने मुझे सेंड किया है वो एक ब्राइट ऑरेंज लिपस्टिक है, फेयर स्किन टोन के लिए ये परफेक्ट होगा। ये आई थिंक ये सब लिपस्टिक्स बहुत ही अफोर्डेबल रेट में 50% ऑफ या बाय वन गेट वन में आपको मिल जाएगा, सो डेफिनेटली ये सब मेरे तरह से वर्थ परचेज है। गुड वाइब्स हो गया, एनवाइबे हो गया, अब जो पर्पल एक्सक्लूसिव ब्रांड है वो है एल्फ्स गुडनेस, और एल्फ्स गुडनेस के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स रेंज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो पहले ही मैं शेयर करूंगी एल्फ्स गुडनेस का ये शैम्पू, ये हेयर केयर रेंज में से है, और ये है एल्फ्स गुडनेस स्विस लव केराटिन शैम्पू। ये शैम्पू बहुत अच्छा है क्योंकि ये
आपके बालों को बहुत सिल्की बनाता है और इसमें केराटिन डेफिनेटली है। शैम्पू ये मेरी तरफ से एक वर्थ परचेस है क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। एल्फ कूनस के जो एसेंशियल ऑयल्स है वो बहुत अफोर्डेबल रेट में 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। सो मैंने भी 100 रुपीज में ही इन दोनों को परचेस किया है। ये है टी ट्री एसेंशियल ऑयल और ये है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, प्योर एसेंशियल ऑयल है। सो अगर आप परचेस करना चाहते हैं एल्फ कूनस के एसेंशियल ऑयल आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। ये है एल्फ कूनस का सैंडलवुड पाउडर, इसके ऊपर मेरी डिटेल रिव्यू वीडियो है। ये मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। ये सैंडलवुड जैसा है ही नहीं, पूरा मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है। ऐसा कुछ अलग सा कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला एल्फ कूनस नीम पाउडर। हाईली रिकमेंड करूंगी मैं आप लोगों को क्योंकि ये नीम पाउडर मैंने पहले छोटा सा खरीदा था 50 ग्राम्स का, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने इसे बड़ा परचेज किया है 250 ग्राम्स का और ये 100 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल है। सो मेरे लिए तो ये बिग थम्स अप है। सो फ्रेंड्स, मैंने पर्पल से जितने भी 5000 से भी ज्यादा की शॉपिंग की है सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, रिव्यू भी शेयर किया है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट वर्थ लगा, कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट लगा। आप लोग शेयर कीजिए अपना ओपिनियन और आपको अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।